नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्राइट कंप्यूटर चैनल और मैं हूं जीतू मालव। आज की इस वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल 2019 के प्रूफिंग फीचर, जो कि बड़ा ही पावरफुल और रोचक फीचर है, इसके बारे में बताने वाली हूं। तो दोस्तों, बिना समय गवाए हम इस फीचर के बारे में जानना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है। देखिए, मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में लिखा सी, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी ये कॉपीराइट वाला सी बन जाता है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा आर, एंटर प्रेस करने पर यह रिजर्व आर जैसा सिंबल बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ वी डी यू, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है। तो दोस्तों, ये सब कैसे हो रहा है? ये सब हो रहा है प्रूफिंग फीचर के द्वारा। तो एक्सेल अपने आप में एक पावरफुल फीचर, पावरफुल आपके सॉफ्टवेयर है, जो कि अगर आप कोई रोंग यहाँ पर स्पेलिंग एंटर करते हो या लिखते हो तो वो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही करेक्ट हो जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है दोस्तों? प्रूफिंग फीचर के द्वारा। अब ये जानने के लिए हम चलते हैं फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन बटन में कुछ फीचर हमारे सामने डिस्प्ले होते हैं, इसमें से हम करेंगे चूज प्रूफिंग ऑप्शन। प्रूफिंग ऑप्शन पर क्लिक करके ऑटो करेक्ट ऑप्शन पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसको थोड़ा हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर सी, अगर ब्रैकेट में सी लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट कॉपीराइट सी आ जाएगा। यहाँ पर आर लिखते हैं तो आपके रिजर्व आर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग करती हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ पहले से आपका पहले से मिस्टेक वाली जो स्पेलिंग होती है उसको करेक्ट स्पेलिंग में यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखिए, यहाँ पर अगर मैंने मान लो अचीव्ड लिखना चाहा तो अचीव्ड की स्पेलिंग रोंग है और ये उसकी करेक्ट है। तो जैसे मैं अचीव्ड लिखना चाहूंगी तो एक्सेल अपने आप में पावरफुल टूल होने के कारण उसकी आपकी करेक्ट स्पेलिंग कर देगा। अगर हम इसमें कुछ अपने अनुसार कस्टमाइज करना चाहते हैं स्पेलिंग को, या फिर कुछ शॉर्ट फॉर्म को ऑटोमेटिक ही फुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर मैंने लिखा सी पी यू, इसको किस से रिप्लेस करना है हमें? यहाँ पर मैंने लिखा सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऐड कर दिया। अगर दूसरा कोई मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगी केबी, केबी का फुल फॉर्म, जैसे मैं केबी एंटर करूं यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए किलो बाइट, किलोबाइट। सॉरी दोस्तों, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। यहां पर मैंने लिखा किलोबाइट, किलोबाइट ऐड कर दूंगी और ओके कर दूंगी। जैसे मैं ओके करती हूँ तो सीपीयू की फुल फॉर्म जो मैंने यहाँ पर लिखी है केबी की फुल फॉर्म किलोबाइट, वो इसमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन में इनपुट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ सीपीयू, एंटर में प्रेस करूंगी तो ऑटोमेटिक इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैंने लिखा वीडीयू, एंटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। दोस्तों, अगर मैं केबी लिखती हूँ तो एंटर प्रेस करते ही किलोबाइट। तो दोस्तों, प्रूफिंग टूल के द्वारा हम अपने डेटा को जो कि एक्सेल में बनाया गया है उसको बाय डिफॉल्ट हम क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे मजेदार फीचर है कि हमें बिना स्पेलिंग चेक किए आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग ला सकते हैं, और अपने अनुसार किसी शॉर्ट फॉर्म को अगर आप लॉन्ग फॉर्म में, या उसको शॉर्ट फॉर्म को बाय डिफॉल्ट लॉन्ग फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ताकि आपको नई नई वीडियो हमें डे बाय डे हम आपको दे सके। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।